सरकारी पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघों ने भाग लिया है। सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन एक मिशन जैसे नारे लगाते हुए सरकार से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि इस हड़ताल का असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है, कई नौकरियां रद्द होने की आशंका भी है। इस संगठन में 2005 से राज्य कर्मचारी सेवा में शामिल हो चुके मंगलवार 14 मार्च से लगभग 18 से 20 लाख सहकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी कर्मचारी राज्य भर में हड़ताल कर चल रहे हैं। देखने में आ रहा है कि विभिन्न संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। आज 14 मार्च ला सर्व राज्य कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र राज्य सगळे कर्मचारी संपावर बेमुदत संपावर गेले, कारण आमच्या हक्काची जी पेन्शन आहे जुनी पेन्शन योजना ती आम्हाला लागू झाली पाहिजे। नवीन जे अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना आहे ती बंद होऊन जुनी पेन्शन योजना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लागू झालीच पाहिजे। ज्याप्रमाणे आमदारांना जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली आहे आणि त्यांची वारंवार वाढत असते, पण कर्मचाऱ्यांना त्या योजनेपासून वंचित केल्या जात आहे आणि हा आमच्यावर खूप मोठा अन्याय आहे आणि हा अन्याय जोपर्यंत आमच्यावरचा दूर होत नाही आम्ही हे होऊ घातलेलं संप बिलकुल बंद करणार नाही। जिथपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही आम्ही आमचं संप चालूच ठेवणार। जुनी पेन्शन, जुनी पेन्शन। महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, सभी विभाग के कर्मचारी आज आंदोलन पे है और इसको बहुत सारा प्रतिसाद मिल रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर पिछले 15 साल से कर्मचारी सरकार की तरफ मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज से ये संप जारी किया है और इसका पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है और सरकार से यह आह्वान है कि सरकार ने जल्द से जल्द पुरानी पेंशन लागू करे, अन्यथा इससे भी तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की रिपोर्ट।